नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंशली। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड के पीछे लगी थी एफबीआई। कैलिफोर्निया में हुआ था ट्रैक, जिसके बाद हुई गिरफ्तारी। रूसी सेना की बमबारी से यूक्रेन को काफी नुकसान। युद्ध में 10 से 13,000 जवानों की गई जान। रूस के साथ जंग में यूक्रेन ने अब तक 10,000 से 13,000 के बीच में अपने सैनिक खो चुके हैं। जानकारी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो कोडोलियाक ने एक टीवी चैनल को दी। प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी जिनपिंग सरकार। कोरोना प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की संभावना। चीन के उप प्रधानमंत्री और बीजिंग के अन्य अधिकारियों ने अपने बयानों में ऐसे संकेत दिए हैं कि सरकार सख्त कोरोना प्रतिबंधों में लोगों को राहत देगी। दिल्ली में 3 दिन रहेगा ड्राई डे। आबकारी विभाग ने जारी किया ऑर्डर। बता दें कि ड्राई डे वे दिन होते हैं जब सरकार किसी खास दिन शराब की दुकानों, क्लबों, बार आदि में शराब की बिक्री पर रोक लगा देती है। जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए जाति सूचक नारा विवाद के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। ये यूनिवर्सिटी फिर से एक बार विवाद को लेकर ही चर्चा में है। कैंपस की दीवार पर जाति सूचक शब्द लिखे गए हैं। एनआईए ने आतंकी हरप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के साजिशकर्ताओं में था शामिल। महिलाओं पर विवादित टिप्पणी ने बढ़ाई सपा नेता आजम खान की मुश्किलें। रामपुर में केस दर्ज। रामपुर में उपचुनाव के दौरान महिलाओं पर की गई विवादित टिप्पणी ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिका में पकड़ा गया सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड। पंजाब से भगवंत मान ने दी जानकारी। तिहाड़ पहुंची फॉरेंसिक टीम। आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ शुरू। आफ्ताब तिहाड़ की जेल नंबर 4 में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। इसरो जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। केरल हाई कोर्ट का फैसला। 4 हफ्ते का दिया गया वक्त। सपा विधायक इरफान सोलंकी का कमिश्नर के सामने सरेंडर महिला को धमकी देने और उसका घर जलाने का आरोप। गोल्डी बराड को जल्द लाया जाएगा भारत। सीएम भगवंत मान ने दी जानकारी। कहा गुजरात कैलिफोर्निया पुलिस ने हमसे संपर्क किया। जल्द ही गोल्डी बराड को भारत लाया जाएगा और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इससे बहुत से परिवारों को न्याय मिलेगा। बीएसएफ ने 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। सीमा सुरक्षा बल ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में घुसे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। जुबेर नौटियाल के फैंस के लिए बुरी खबर। सीढ़ी से गिरने के बाद सिंगर को आई गहरी चोटी। अस्पताल में भर्ती। जेएनयू दीवार गिरने पर आपको बता दें जेएनयू दीवार पर जाति सूचक नारे। दिल्ली पुलिस से शिकायत। वाइस चांसलर ने मांगी रिपोर्ट। अनिल विज बोले संस्कृति पर प्रहार। कोहरे की चादर से ढका यूपी बिहार। एमपी महाराष्ट्र में बारिश की संभावना। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई एक्ट्रेस स्वरा भास्कर बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाली बताया। असम रैगिंग में घायल छात्र की रीढ़ की हड्डी का हुआ ऑपरेशन। 4 और स्टूडेंट सस्पेंड। असम यूनिवर्सिटी में सीनियर्स की रैगिंग से परेशान एक छात्र हॉस्टल की छत से कूद गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इस केस के आरोपी 4 और छात्रों को सस्पेंड किया गया है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु, जन से सरोकार।